हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो सुबह का टाइम हो रहा है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होती हैं या कोई भी हो, सुबह की धूप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि बुआ जी की गोदी में दे देती हूँ भैया को, वो अच्छे से इसको धूप दिखा देती हैं। तो वहीं पर बाबू भी बैठे हुए हैं, छोटी बुआ जी खड़ी हुई हैं और बुआ जी उसको गोदी में लिए हैं, साथ ही मिशिका भी वहीं पर खड़ी हुई है और ढेर सारी बातें हो रही हैं, ढेर सारी। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, बुंदेलखंडी जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आती है, तो आप लोगों को सुनने को मिलेगी। और मतलब बुआ जी ना उसको बहुत डांट रही थी, कह रही थी क्यों, कितनी निन्नी आती है आपको, कितनी निन्नी आती है, रात में सोते नहीं हो, रात में मताई को परेशान करते हो और दिन में सोई सोई दिखाते हो। तो इस तरीके से वो बात कर रही थी और पाउडर के बारे में भी बोल रही थी, क्योंकि उसकी जो बॉम्बली है ना उसमें पाउडर डालना होता है ना जल्दी से सूखने के लिए। तो सुनिए मैं क्या कहती हूँ। तेल लगाती हैं भाई डेली, हम तनक नहीं लगाते का है, हमें मना है अबे। और दूसरी बात, पाउडर मंगवाओ ने, पाउडर नहीं अभी नहीं डाल, वो रो है ना तो वो पक टाइप को की पपड़ी ऊपर की उतर जा, सुखे डाल दो तो असर डबल करे। नमन उठा लिया ये रूम में, जहाँ बूट लगू मोबाइल चार्ज कर वाले बंदा बूट तो है पाड़ दे एक तरह डिबिया में। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लिप तो ऑलरेडी देख चुकी हैं, यहाँ पे बेबी की मसाज हो रही है और इसी तरीके से उसकी डेली जो मालिश होती है वो होती है। सो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, काफ़ी सारे कमेंट आए कि दी बेबी का पेट फूला हुआ है क्या। तो नहीं, क्या होता है ना, बच्चे को जब मालिश वाली आती है ना तो वो बोलते हैं जल्दी से दूध पिला दो, और रोते हैं बच्चे तो उनका पेट इसी तरीके से फूलता है, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा। पापा जी क्या तो अंदर पापा जी अपने छोटे से बेबी के साथ मस्ती कर रहे हैं, यानी कि मंस के साथ, और यहाँ पे मेरी मिशिका देखिए क्या कर रही हैं। जी हाँ, ये चीठा चंगा बोलते हैं, कई लोग अट्ठू बोलते हैं, तो यहाँ पे अट्ठू बोलते हैं और कहीं कहीं पे चीठा चंगा खेलते हैं। तो ये बुआ के साथ खेल रही है और बोल रही है मैं ना अट्ठू खेल रही हूँ, ये देखो, कहती आओ भाई खेलें आओ, मतलब इनको ना जो जैसे नातिन वातिन लगती है ना तो वो लोग बाई बोल देती हैं, तो बोलती आओ भाई खेले आओ, तो वो लोग खेल रही थी। मैंने छोटी सी क्लिप ले ली। एंड ये फ्रॉक ना मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाई है मिशिका के लिए, और ये फ्रॉक अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बस थोड़ी सी साइज़ में मुझे लगता है बड़ी आ गई है, मिशिका की साइज़ से थोड़ी सी बड़ी है, बट जिद में मैडम ने पहन ली है क्योंकि ये परसों आई हुई थी तो वो इतने दिन से देख रही थी, और फिर मैंने ना सामने ही उसके धुल के डाल दी, क्योंकि अभी तो कोई भी कपड़ा आ रहा है तो उसे सैनिटाइज़ करो, प्रॉपर धुलो, फिर उसके बाद बच्चों को पहनाओ। मतलब छोटी बेबी के ना मैंने बहुत सारे कपड़े फर्स्ट क्राई एंड अमेज़ॉन से मंगवाए हुए हैं, तो उनको भी मैं इसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कॉमेंट कीजिएगा, मैं उसके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट से कपड़े आप लोगों को के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आप लोग देखना पसंद करेंगे तो। बहुत ही क्यूट कपड़े आए हैं उसके, बहुत बहुत
बहुत बहुत ज़्यादा। एंड जो माँ न्यूली मॉम बनना चाहती हैं, बनी हैं या बनने वाली हैं, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। सो इसके बाद गाइज सीधे हमें कहाँ जाना है, किचन में। सो यहाँ पे जो बुआ जी ने और बाबू ने मिल के कड़ी बना ली थी और भजिए तोड़ने थे, तो बुआ थोड़ा सा भी पता ही है ना, वो तो बूढ़ी हैं, उनसे थोड़ी ना इतना दिखता है, तो हमें डर लग रहा था कि ऑयल का काम वो कैसे करेंगी। तो मैं पकौड़े भी तोड़ते जा रही थी, साथ में मैंने एक छोटी सी क्लिप ले ली कि आज हमारे यहाँ बनी थी कड़ी और रोटी। जी हाँ, चावल बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं अभी, घर में बिल्कुल नहीं बनते क्योंकि मेरी फेवरेट हैं, तो इसलिए नहीं बनवाते कि ऐसा ना हो कि ये एक निवाला भी खा ले। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ और मैं क्यों खाऊंगी, बट फिर भी डर तो लगता है ना। सो गाइस यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि आपको पता ही है रोटियाँ कौन बनाएगा, बुआ तो बनाने को बना लेंगी, बट वही बात होती है ना कि बुआ को चूल्हे पे आता है, गैस पे कुछ करना नहीं आता है। वो तो बाबू को कढ़ी की रेसिपी बताती गई और बाबू ने उनकी रेसिपी से कढ़ी बना ली, लेकिन जो रोटी थी वो मैं ही बनाती हूँ और मैं ही बनाऊँगी क्योंकि रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनती हैं। दो दो चार चार रोटी ही खाने वाले लोग हैं, तो इस हिसाब से मैं रोटियां बना रही हूँ यहाँ पे। और बहुत टाइम बाद मैं अपनी किचन में गई हूँ, बहुत टाइम बाद, लाइक आज मुझे 15 से 17 दिन हो गए। जी हाँ गाइस, 17 दिन हो गए। और मैंने मतलब लास्ट टाइम जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उसके रात में खाना बनाया था, उसके बाद आज तो कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन अच्छा लग रहा था क्योंकि जब आप खुद बेटर फील करते हो ना तो आपको काम वाम करने में दिक्कत नहीं होती है। हालांकि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ, ओनली रोटियां सेकने का काम है मेरा, बाकी पूरे टाइम आपको बेबी को संभालना है, खुद की केयर करनी है और बाकी सब देख लेते हैं, पापा बाबू दोनों जन मिल के कर लेते हैं। और वैसे भी मेड लगी है तो वो कर लेती है। और खाने के लिए बहुत रिस्की है गाइज़, बहुत ज़्यादा रिस्की है, हम खाने वाली अब नहीं लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, इतना डरे हुए हैं इस टाइम पे। जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं फुल्ली दहशत में हूँ, और अभी कंफर्म नहीं है लेकिन अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। मतलब काफ़ी बैड न्यूज़ है, मतलब हद से ज़्यादा बैड न्यूज़ है अगर वैसा होगा तो। और ऐसे में हम तो सोच रहे हैं कि बर्तन वाली जो आती है ना उनको भी ना बुलाया जाए, लेकिन करेगा कौन, और पानी का काम मैं कर नहीं सकती हूँ इसलिए भी। सो बस यही टेंशन है दिमाग में भी, वही सारी मेरी बातें चल रही हैं कि मैं कैसे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस कोरोना ने सच में मतलब बैंड बजा के रख दिया हर किसी की, इंसान चाह के भी ना उसके बस में भी हो रहा है बट वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता है। और पता है मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि कैसे कैसे बेचारे वो लोग सरवाइव करते हैं जिनकी फैमिली में ऐसा कुछ हो जाता है। तो काफ़ी सारी बैड न्यूज़ है, मतलब मैं सोच भी रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है। सो यहाँ पे मेरी रोटियाँ जो हैं अच्छे से सिक रही हैं, फुली फुली गोल गोल। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को फ्रंट कैमरे के सामने छोटी छोटी सी बातों के साथ। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आई नो कि मैं बहुत लेट ये पूछ रही हूँ सामने से आप लोगों से, बट क्या करूँ, कभी कभी बहुत बिजी शेड्यूल चलता है, अभी जैसे मेरा चल रहा है काफ़ी बिजी रहती हूँ, पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। पहले तो केवल मिशी का थी तब भी मेरा टाइम कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था क्योंकि उसकी केयर में ही टाइम निकल जाता था। इस टाइम पे तो दो दो बच्चे हैं और जिसमें से एक बच्चे को तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो उसको केयर उसके आगे पीछे डोलते रहते हैं। एंड अगर वो उसको कोई लिए भी रहता है ना तो मैं उसके आगे पीछे रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कभी भी उसे भूख लग सकती है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी छोटा है, कभी भी उसे भूख लग सकती है, एक एक पल में भूख लगती है, पल में पॉटी कर लेंगे, पल में सूसू कर लेंगे और भूख लग जाएगी, रोने लग जाएंगे। सो ये होता है। एंड मैंने केवल रोटियां डाली हुई हैं और अभी मुझे खाना है खाना, क्योंकि सुबह में लड्डू और वो हरीरा वगैरह खा पी लो ना तो उसके बाद फिर खाना पीना खाने का मन नहीं होता है। एंड मैंने नहा लिया है सब कुछ, बस मैं अभी रेडी वगैरह कुछ भी नहीं हुई हूँ ना, मेरा मन कर रहा है क्योंकि बस मांग भर लो, बिंदी लगा लो, हो गया। सो मैंने बस वही किया है, काफ़ी मतलब वैसा फील हो रहा है। साथ ही यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कभी भी गर्मी हो जाती कभी भी सर्दी हो जाती, ना मौसम का कोई समझ नहीं आ रहा, मतलब मौसम कभी भी कैसा भी हो जाता है। एंड साथ ही साथ एक और साथ एक चीज़ और शेयर करनी थी कि जो आप लोग देखते होंगे बाबू ने एक मोटा सा कंगन पहने हुए थे अपने हाथ में, और जिसके बारे में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते थे, कुछ लोग उस कंगन को बहुत पसंद करते थे इसलिए भी कमेंट्स आते थे, कुछ लोग ये बोलते थे कि क्यों पहने हुए हैं इतना मोटा वाला कंगन, भारी नहीं लगता, ऐसा टाइप का कुछ था। वो मैंने उनको गिफ्ट किया था बहुत टाइम पहले, लाइक मैं यूट्यूब पे भी नहीं थी जब मैंने वो कंगन उनको गिफ्ट किया था,
और पता है आप लोगों को, वो कंगन ना ऐसे गुस्से में, हम दोनों का झगड़ा होता है ना जब, तो उनकी आदत है जो गले में पहने होते हैं या जो मतलब कि कंगन पहने होते हैं, तो मेरा गिफ्ट मेरे पास ही छोड़ देते हैं। तो लाइक उन्होंने वो गिफ्ट निकाला और ऐसे रख दिया। मैं भी वैसे ही करती हूँ, तो आजकल वो मेरा ही पेतरा मेरे ही ऊपर अजमाते रहते हैं। तो उन्होंने वो कंगन निकाला और ऐसे रख दिया। वो कंगन मतलब ऐसे गोल हुआ कि जैसे लाइक वो कंगन ऐसे गोल हुआ ना, मिल ही नहीं रहा। इतने दिन से हम परेशान हैं, 2 से 3 दिन हो गए हैं। कहने को तो जब मैंने वो लिया था केवल 7,000 रुपये का था, बट सच बताऊँ ना उसकी कीमत अब हम लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। क्योंकि वो ना, एक तो पता नहीं क्यों मैं कभी भी उनको कोई गिफ्ट देती हूँ, मैं दूँ, मम्मी दूँ, सिल्वर उनको बड़ा, मतलब चांदी उनको बड़ी फलती है। जब भी हम लोग उनको कोई गिफ्ट देते हैं और जब भी वो वाली चीज़ वो पहनते हैं ना, वो लाइक ब्लेसिंग की तरह हो जाती है और वो फलने लग जाती है, कुछ ना कुछ काम अच्छे बनने लग जाते हैं। तो जब वो मैंने उनको वो कंगन दिया था ना, तब से उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम पे ज्वाइन किया था एंड उन्होंने सीखना स्टार्ट किया था। सच में बहुत 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 हर्ट हुआ मुझे वो कंगन गया। और सबसे बड़ी बात कि अब हमें ना दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि गिफ्ट्स हैं, अगर कितना भी छोटा झगड़ा हो या बड़ा झगड़ा हो, कभी गिफ्ट निकाल के नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सच बताऊँ मेरा दिल दुखा है, मैंने उस टाइम पे काफ़ी मेहनत की थी उन पैसों को जोड़ने में। आपको पता है कि आप जब घर में ऐसे, घर के खर्चों में ऐसे पैसे मार मार के और किसी के लिए गिफ्ट देते हो, तो वो कितना ज़्यादा कीमती हो जाता है, वो बेस कीमती हो जाती है। तो ये हमने एक तरीके से अपनी बेस कीमती चीज़ खो दी, जिसका दुख मुझे इतना ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। अभी 3 से 4 दिन हो गए हैं, तो इसलिए आपको मेरे फेस पे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी। क्योंकि हमें ये था कि वो घर में ही है, कहीं रख दिया होगा, हो सकता है मिशिका ने रख दिया होगा, बट पूरा घर बाबू ने चेक कर लिया। और मैंने अपना मन वो रखने के लिए कि नहीं, हो सकता है बाबू ने कहीं कहीं ध्यान से ना देखा, मैंने भी ढूंढ लिया, पापा जी ने भी ढूंढ लिया, बट वो नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। और हमने पूछा भी कि कुछ रिलेटिव्स आए थे उनसे पूछा, लेकिन नहीं तो नहीं। खैर बस यही बुरा लगा कि उसकी कीमत ना हम लोगों की लाइफ में अब बेस कीमती हो चुकी है, जो हमने खो दी है। और कंगन तो दूसरा भी बन जाएगा, लेकिन वो उतना ही लकी होगा। और क्या वो उतनी ही मेहनत से बनेगा? नहीं ना, जिसके लिए मैंने ना पाई पाई जोड़ी थी, और मैंने लाइक पल भर में वो चीज़ गायब हो जाना, कैसा फील होता है सब समझ सकते हैं। वो कंगन हम लोगों ने दोबारा ऑर्डर किया है बाबू ने तुरंत, क्योंकि आपको पता है उनके हाथ में वो कंगन इतना शोभा देता था ना, इतना शोभा देता था कि क्या बताऊँ। सेकंड चीज़ कि अब वो नहीं डाले ना, तो उनका हाथ काफ़ी खाली खाली लग रहा है। तो वो चीज़ जो है ना, मुझे बहुत खल गई है, बहुत ज़्यादा खल चुकी है भगवान की कसम। ऐसा गुस्सा आ रहा है ना कि कहाँ से कहाँ मैंने लड़ाई कर ली, मुझे लड़ाई नहीं करनी थी, मैंने कहाँ से कहाँ, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो जो लड़ाई थी ना वो मैंने ही स्टार्ट की थी। खैर जाने देते हैं, आप लोगों को भी मैंने ये बताया इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लगता है लाइक फील होता है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में अभी भी चल रही है। क्योंकि आज ही मैंने उसे ढूंढा, अभी ढूंढा मैंने रोटी बनाने के बाद, मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ी सी ढूंढती हूँ, हो सकता है कि बाबू ध्यान से ना देखे हों। जब मुझे भी नहीं मिला तो मैं क्या बोलूँ यार। चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय गाइज़।